करेगा। आप पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है, आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था, जरा निकालिए, पहले से कभी बोला था? मांझी जी भी बोल रहे थे। अरे जो बोले पहले बोला था, निकाल के देखिए ना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी से जो बहाल हो रहे हैं शिक्षक, उनको कल नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 50,000 नौकरी देते हैं उनका 3 दिन तक छापते हैं, और जो इतना ज़्यादा बिहार में दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम शिक्षकों को बधाई भी दी है, लेकिन वहीं बीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी सहित जीतन राम मांझी को भी करारा जवाब दिया है कि इससे पहले कभी कुछ बोलते थे, लेकिन जब इन लोगों को टास्क मिला है इसलिए बोल रहा है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, सुनवाते हैं उस बयान को। आप लोग से नाराज नहीं है, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इसके सब आपके पक्ष में है। हम तो बराबर कहते हैं कि जब उधर मुक्ति मिलेगी आप सब लोगों को फिर वही अधिकार मिलेगा जो होना चाहिए, यही हम कहते हैं। सर, लेकिन आप भी आपके खिलाफ कैसे बोलेंगे? भला आपके खिलाफ है, आपके तो पक्षधर में है। आप नाराज हैं सर? ना, हम कहना नाराज, आपके प्रति बड़ा पक्षधर है। हम जानते हैं आप लोग तो जो चाहते हैं वो थोड़ी करने दिया जाता है, इसीलिए कि ऊपर का जो अधिकार है वो देखता है कि किसी चीज को हम ही ना बता रहे हैं। बतवा तो मेरा समझिए ना ठीक से, वो तो आपके हित में बोल रहे हैं और कोई बात नहीं। बड़ा दिन है, 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। कल बिहार के लिए बड़ा दिन है सर, पूछताछ के लिए बुलाया है। कल अरविंद केजरीवाल को कर ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। पहले हेमंत सोरेन थे, फिर अशोक गहलोत, अमर सर। लेकिन जो शिक्षक कल बड़ा दिन रहे हैं, उस पर लोग कर रहे हैं कि गड़बड़ियां की जा रही है, लेकिन कल तो बड़े पैमाने पर किया जाएगा ना। लेकिन लोग कह रहे हैं सर कि गड़बड़ियां की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बीपीएससी घोटाला किया जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं क्या चीज का घोटाला? जो नौकरी घोटाला कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दिया जा रहा है। आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ, जब साथ में था तो कभी बोला है सब बात? तो सब यही बोलता है, ऊपर से कहा जाता है कितना बढ़िया काम हो रहा, तुम लोग खिलाफ करो, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप लोगों को जो मन में आवे छापिए, इतना बढ़िया ढंग से सबकी बहाली होती है, देखा जाता है, कह दिया जाता है कि एकदम बिल्कुल जो कुछ भी होता है अपॉइंटमेंट उठी ढंग से। हम फिर न कर दिए थे जी, हम उसी को न कर दिए थे। अब पहले तो हम ही कर दिए थे कि पंचायत बीपीएससी का पंचायत और इसमें करके वो तो हो रहा था, तो इस बार तो हमने ही ना कर दिया खुद ही कि बीपीएससी का कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है। वो सब ऐसी कोई बात नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है, आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था, जरा निकालिए, पहले से कभी बोला था? मांझी जी भी बोल रहे थे। अरे जो बोले पहले बोला था, निकाल के देखिए ना। इसलिए सब बहुत गलत बात है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, तो हम आग्रह करेंगे। अब आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम चाहते न हैं कि आप मत बताइए, इसलिए कि आपको बोलेंगे तो आप ऐसी गलत बोल रहे हैं ना कि आप लोग खिलाफ है, आपके खिलाफ कैसे हो? आप लोगों के बड़ा भारी पक्षधर हम हैं सर, आप इंडिया गठबंधन के ऐसी हैं, आप लोग के पक्ष में है। अरे आप सर आते हैं तो हम लोग उसे बोले, अब उसी का फिर अंड बंड दुरुपयोग शुरू करता है। सर इंडिया गठबंधन को टूट की बात कही रहे हैं, केंद्र सरकार जो करिए कि आप लोग का कोशिश बेकार जाएगा। आपका बड़ा भारी अनुभव नेतन वो सब चीज छोड़ी, नाराज नहीं ना सर? नाराज रहेंगे बच्चा सब हम खुश है, बात तो समझिए, हम जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, आप लोगों के पक्ष में ना बोलते हैं, नाराज नहीं आपसे। आप पर जो बिना मतलब का कंट्रोल करके आपसे उल्टा पुल्टा करता है, उससे ना आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यही हालत है,
आपसे क्या नाराज है। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है।